हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने पास क्या कह रहा है, टू पॉइंट चार्ज क्यू ए, वैल्यू ऑफ क्यू ए इज 3 माइक्रो कूलम्ब एंड क्यू बी -3 माइक्रो कूलम्ब आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। यानी क्वेश्चन हमने से ये कह रहा है बच्चों कि ये दो चार्ज अपने पास है, एक ए पॉइंट पर रखा हुआ है, एक बी पॉइंट पर रखा हुआ है। ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसका वैल्यू क्यू ए है और एक क्यू बी अपने पास है। इस क्यू ए का वैल्यू बच्चों 3 माइक्रो कूलम है और इसका वैल्यू कितना है -3 माइक्रो कूलम है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ हमें, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने से क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। यानी इन दोनों चार्जेस के एक मिड पॉइंट ओ, ये मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं। इस मिड पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस के एडजॉइनिंग लाइन पर मिड में, मिड का मीन हो गया बच्चों यहाँ से भी ये 10 सेंटीमीटर के गैप पर रखा हुआ है और यहाँ से भी ये 10 सेंटीमीटर का गैप यानी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहाँ हम देखें सेंटर पर यदि हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बच्चों देखो इस सेंटर ओ पर, इस मिड पॉइंट ओ पर ए चार्ज के कारण भी और बी चार्ज के कारण भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों डायरेक्शन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के साथ यदि डायरेक्शन पता है तो हम इजीली में उसका रिजल्ट एंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वैक्टर क्वान्टिटी होता है और वैक्टर क्वान्टिटी का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए डायरेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सेम डायरेक्शन में दो वैक्टर क्वान्टिटी होता है तो उनका रिजल्टेंट दोनों को ऐड करने पर आता है, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर यानी अब माइनस करने पर अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर हम बच्चों यहाँ किसकी वजह से देखते हैं, पहले ए की वजह से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये आएगा बच्चों के, चार्ज क्या है क्यू ए है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये एक्स मान लेता हूँ मैं, चलो एक्स हो गया। ये आर मान लेता, आर दोनों में सेम ही रहेगा अपने पास में, ठीक है। तो ये आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हमें तो बच्चों के, चलो एक बार इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये ए के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बच्चों कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो किस साइड होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की साइड होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ओ पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे और ओ पॉइंट से आउटवर्ड किस साइड में, एडजोइनिंग लाइन की साइड में, ये आपके पास में किसका डायरेक्शन होगा बच्चों, ई1 का डायरेक्शन होगा, ये E1 का डायरेक्शन हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बी पॉइंट की वजह से देखें यानी बी चार्ज की वजह से देखें तो क्या आएगा बच्चों, के चार्ज क्या है क्यू बी और डिस्टेंस तो वही आर स्क्वायर है, डिस्टेंस वही आर स्क्वायर है। लेकिन बच्चों ये बी वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में देखो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर होता है, आउटवर्ड होता है, नेगेटिव में इनवर्ड होता है अपने पास में। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, तो ओ पॉइंट से इनवर्ड का मीन हो गया नेगेटिव की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास क्या हो गया, ई बी हो गया। तो हम ही देख रहे बच्चों कि यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको चलो एक लिख रखा है, या दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड करने पर आता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं
रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं मानता हूँ ई है बच्चों, तो क्या आएगा वो ई ए प्लस ई बी आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करने पर आएगा। ऐड करते हैं हम यहाँ, तो देखो बच्चों क्या है, के क्यू ए, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये के, ये क्यू बी, और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो बच्चों हम हटा देते हैं यहाँ से, इसकी तो अब रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अब ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट को भी सॉल्व करता है। तो ये देखो ई क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जो कॉमन आ रहा है वो, जो पहले कॉमन ले लो आप, के कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, कॉमन ले लीजिए आप, के अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया क्यू ए प्लस क्यू बी। अच्छा के का वैल्यू बच्चो 9 × 10⁻ होता है, ये 10 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर हो गया। क्यू ए, और क्यू ए कितना है बच्चों, 3 माइक्रो कूलम है, तो ये लिखा जाएगा 3 × 10⁻⁶ माइक्रो है। तो अब क्यू बी भी बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 3 माइक्रो कूलम है, मैग्नीट्यूड यूज लेंगे तो ये 3 × 10⁻⁶ हो गया माइक्रो का। अब इसको सोल्व कर देते हैं हम, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ हम देखते हैं, ये तो देखो 9 × 10⁻⁹, अभी एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, यहाँ देखें आप, ये ऐड हो जाएगा बच्चों, और 3 और 3 कितना हो गया अपने पास, 6 हो गया, तो ये आ गया 6 × 10⁻⁶। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, आर स्क्वायर हमने नहीं किया भाई, आर का स्क्वायर भी तो करना है यहाँ, तो यह हम आर का स्क्वायर करते हैं, ये आर का स्क्वायर भी है अपने पास में, ठीक है, ये आर का स्क्वायर है, और आर का स्क्वायर देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 100 होगा, यानी 10⁻² हो गया, 10⁻²² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो गया, तो ये 10⁻²² है, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 10⁻², ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁴ हो गया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 54 हो गया, और 9 है ये पावर प्लस का, ये माइनस का है, तो ये बच्चों किसका हो जाएगा आपके पास में, प्लस का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में इसका आंसर हो गया। तो ये अपने पास रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, इस मिड पॉइंट ओ पर दोनों चार्ज की वजह से 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया है। अब हमें ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, एक बार हम साफ कर देते हैं भाई। तो देखो इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमें देखो बच्चों यहाँ क्या कह रहा है, और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें यह फोर्स भी फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने पास ये था कि यहाँ 3 माइक्रो कूलम, यहाँ -3 माइक्रो कूलम मिड पॉइंट हो, और ये 20 सेमी था। अब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बच्चों वो ई आया है, इधर कौन था, E1 था, और इधर ही कौन है बच्चों, E2 है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लेते हैं हम। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका क्या डायरेक्शन होगा, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगा बच्चों, ये ओबी के अलोंग ही होगा। यदि E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से बच्चों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बच्चों किस डायरेक्शन में होगा, ओ से बी की साइड होगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो कितना है, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ओ से बी की साइड रहेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा इसका। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, क्यू नोट होता है, नेगेटिव 1.5 × 10⁻⁹ कूलम है,
ये कहाँ रखा हुआ है? प्लेस एट दिस पॉइंट, मतलब इस सेंटर पर हमने ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है। आपसे कह रहा व्हाट इज द फोर्स, तो इस पर इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो हमें इसका इस सेंटर पर या इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है बच्चों। दूसरी बात यहाँ देखें, हमें इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होता है बच्चों, Q0E होता है। सो Q0 का वैल्यू कितना, −1.5 × 10⁻¹⁹ है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 54 × 10⁵ है। इसको सोल्व करते हैं तो 54 को यदि 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये अपने पास आ जाएगा 81। तो 8.1 यानी 54 को यदि हम 1.5 से तो 81 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये −9 है, ये 5 है, तो ये बच्चों अपने पास आ जाएगा −4, माइनस ये न्यूटन में इसका फोर्स आ गया। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन अपने पास क्या होगा, ठीक है एक बार कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों जो भी आ रहा अपने पास में, लेकिन इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यदि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स का डायरेक्शन वही होता जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। क्या बात बोली हमने, लास्ट क्लासेस में समझा भी रखा है। यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन वही होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। लेकिन बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस साइड है, तो जो फोर्स होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। फोर्स जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा भाई, ये फोर्स हो गया अपने पास में। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में बच्चों, ओ से बी की डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, ओ से बी की डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ से बी है, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ओ से ए की साइड होगा, जस्ट अपोजिट। यानी ये फोर्स जो होगा बच्चों वो ओ ए यानी ओ से ए की डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास में।